दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे थंबनेल और टाइटल से देख ही लिया होगा आज की वीडियो किस पे है। दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक 300 वाट का रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मैं इसका एक फुल रिव्यू करने वाला हूँ, उसका साउंड टेस्ट भी आपको दूंगा, फिजिकली इसका ओवरव्यू कराऊंगा, जो कि दोस्तों मैंने अभी कल परचेस करा है। क्राउन की तरफ से आने वाला एक पावर एम्पलीफायर जो कि दोस्तों जिसका साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों इसका मॉडल है SSA का 250M। दोस्तों ये 300 वाट तक का मैक्स जाता है, तो दोस्तों मैंने लगा आपको इसे दिखाना चाहिए क्योंकि दोस्तों इसका जो साउंड है वो काफ़ी बढ़िया है, जिसमें आप 150 वाट के दो स्पीकर के पेयर आप दे सकते हो, आप आराम से स्पीकर से बजा सकते हो। तो इसका जो साउंड टेस्ट और रिव्यू आपको इस वाली वीडियो मिल जाएगा। तो बिना किसी टाइम के बाद, तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूर्यांश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे दोस्तों क्राउन की तरफ से आने वाला हमारा SSA का 300M। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, दोस्तों ये 300 वाट का एक पावर एम्पलीफायर है और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों क्राउन की यहाँ पे ब्रांडिंग दी गई, जो कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया ब्रांड है हमारा, जो कि दोस्तों इसका जो क्वालिटी दोस्तों मैंने देखा है, मैंने इसके बहुत से एम्पलीफायर चेक करे हैं, उसका क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ही दिनों चलता है इसका एम्पलीफायर। तो दोस्तों मैंने यही क्राउन का लेना सही समझा और दोस्तों मैंने यहाँ पे आहूजा का लेना था, लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पे क्राउन का लिया क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इसका वेट और जो है इसका सब कुछ देख के मुझे बहुत ही बढ़िया लगा इसमें। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आप 6 माइक्स को कनेक्ट कर सकते हैं, 6 माइक का इनपुट का आपको ऑप्शन मिल जाता है और तो यहाँ पर इसके सब वॉल्यूम बटन है यहाँ पे माइक्स के, और तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे दोस्तों दो ऑक्स केबल डाल सकते हैं, यानी कि दो ऑक्स का ऑप्शन है यहाँ पे। दोस्तों आपको बटन भी मिल जाता है ऑक्स 1 का और ऑक्स 2 का, आप इस पर करते तो ये माइक पे चलता है यहाँ पे, यानी कि 5/5 वाले माइक पे, और इस पर करते तो आपका ऑक्स पे चल जाएगा, ये आपका जो है ऑक्स 2 है। दोस्तों यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है आपका। दोस्तों नीचे के साइड यहाँ पे ड्राइवर यूनिट और स्पीकर बॉक्स कनेक्ट करने के आपको ऑप्शन मिल जाता है, इधर आपका ड्राइवर यूनिट चलेगा और इधर पे आपका स्पीकर बॉक्स चलेगा। दोस्तों यहाँ पे सारे एम्पलीफायर की तरह हमारा मास्टर वॉल्यूम का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। दोस्तों ये LED लाइट्स हैं और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, अगर दोस्तों आप यहाँ पे 300 वाट का एम्पलीफायर है और आप पे अगर इस पर आप समझ लीजिए 500 या फिर 550 या फिर 600 वाट तक का भी लोड देते हैं, तो दोस्तों आपको ये जो 6 है इसके आगे आपको नहीं देना है। दोस्तों ये मैंने आपको बताना चाहा आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, आप लोग हो सकता है जानते हो, लेकिन दोस्तों जो लोग नहीं जानते आपको 6 के आगे वाला यहाँ पे इसके आगे आपको ज़्यादा नहीं बढ़ाना, वरना आपका स्पीकर या फिर एम्पलीफायर जल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे वैसे स्पीकर नहीं जलेगा, आपका एम्पलीफायर को ख़राबी हो सकती है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवरलोड का यहाँ बटन दिया हुआ है, यहाँ पे नीचे वाला पावर बटन है इसका, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सही है। और दोस्तों यहाँ पे वही बेस और ट्रेबल का ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों ये कुछ है हमारा एम्पलीफायर जिसका फ्रंट पैनल कुछ इस तरीके का है, और दोस्तों ये जो है काफ़ी ज़्यादा हैवी एम्पलीफायर है, मुझे नहीं पता कितने वेट का है, लेकिन दोस्तों काफ़ी हैवी एम्पलीफायर है। और दोस्तों चलिए इसके बैक व्यू की बात करते हैं। तो दोस्तों हमारे एम्पलीफायर का ये है दोस्तों बैक पैनल। दोस्तों यहाँ पर आपको फ्यूज़ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि सारे एम्पलीफायर में है। 24 वोल्ट DC पे चल जाएगा, यानी कि 24 वोल्ट बैटरी पे चला सकते हो, प्लस और माइनस का टर्मिनल के यहाँ पे साइन दिए हुए हैं। दोस्तों ये जो हमारी रेड वाली है, यानी कि अगर आप आगे से चेंज करोगे तो आपका रेड इंडिकेटर जलेगा, यानी कि आपको रेड वाले में लगाना है। अगर आप ड्राइवर यूनिट चला रहे हो तो दोस्तों आपको रेड वाले में चलाना है, ये कॉमन का ये 70 और 100 वोल्ट लाइन ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, जो कि मैंने आपको बहुत से एम्पलीफायर में बताया कि ये वाला ऑप्शन रहता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, अगर आपको बॉक्स चलाना है यानी कि स्पीकर, दोस्तों आपका जो है आगे वाला लाइट जल जाएगा कुछ रेड कलर का, तो दोस्तों आपका ड्राइवर में जलेगा, इसमें आपका ग्रीन जलेगा। दोस्तों अगर आपको यहाँ पे बॉक्स चलाना तो आप इस पर दे सकते हो, जो कि 8 ओम, 4 ओम और कॉमन का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, 2 ओम नहीं हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आपका ये अर्थिंग का ये दिया हुआ है, जो कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे। और दोस्तों यहीं पे हमारा ऑक्स 1 और ऑक्स 2 का दिया हुआ है, आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे ये पर आउट दिया हुआ ऑप्शन, और यहाँ पे लाइन इन और लाइन आउट का दे सकते हो, जो कि यहाँ पे आप मिक्सचर को कनेक्ट करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लाइन इन पे आपका जो है मिक्सचर कनेक्ट हो जाएगा और लाइन आउट पे आपका दोस्तों दूसरे एम्पलीफायर से कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वेंटिलेशन का आपको दिया हुआ है। तो दोस्तों यही कुछ हमारा एम्पलीफायर है, जो कि दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। और दोस्तों यहाँ पे अगर आपको साइड से दिखाता हूँ तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे दोस्तों वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये लगाया गया है। तो दोस्तों यही है कुछ हमारा एम्पलीफायर।
दोस्तों आप लोगों ने हमारा एम्पलीफायर तो देख लिया किस तरीके का ये क्राउन का एम्पलीफायर है, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा वेटेड एम्पलीफायर है और अच्छा खासा साउंड क्वालिटी देता है। अभी इसका साउंड टेस्ट हम लोग करते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक बार बता दूँ, दोस्तों आपने यहाँ पे 300 वॉट एम्पलीफायर या फिर कोई उससे वॉट एम्पलीफायर का रिव्यू देखा होगा, लेकिन दोस्तों उसमें किसी ने भी ये ज़्यादा नहीं बताया, कोई ने बताया मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों ज़्यादातर वीडियोज़ में नए किसी ने ये नहीं बताया कि इसमें कितना लोड देना चाहिए और कितना लोड इस परफेक्ट रहेगा। तो बस दोस्तों आपको इस वाली वीडियो में आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि आप 300 वॉट एम्पलीफायर में कितना लोड दे सकते हो। दोस्तों यहां पर आपको बता दूं 400 और 450 वॉट तक का लोड एकदम परफेक्टली आप दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आपके पास 300 वॉट का एम्पलीफायर है, मैं तो कहता हूं यहां पे आप 500 वॉट तक का भी लोड इस पे डाल सकते हो जो कि आराम से सहन कर लेगा। और अगर आपको इसमें परफेक्टली बजाना है तो दोस्तों आपको यहां पे जितना इसका मेन वॉटेज यानी कि 300 वॉट मैक्स है तो आपको 300 वॉट नीचे रखते हो तो आपका यहां पे पावर ज्यादा रहेगा आपके एम्पलीफायर का और स्पीकर का यहां पे कम रहेगा तो आपका एम्पलीफायर कुछ बढ़िया बजेगा। लेकिन आपको वहां पे मास्टर का ध्यान रखना है, मास्टर वॉल्यूम आपको 6 से ऊपर नहीं बढ़ाना है अगर आप जो है 300 के अंदर वॉटेज का स्पीकर इसमें डालते हो। 300 के ऊपर का भी डालते हो तो भी आप जो है इस पे सेफली रख सकते हो क्योंकि आपको यहां पे एम्पलीफायर पे दिक्कत बढ़ सकता है। 6 के ऊपर ले जा सकते हो, 8 तक के ले जा सकते हो, लेकिन उससे आगे भैया ना ले जाना। दोस्तों उसके आगे भी रहते हैं दो ऑप्शन, लेकिन 8 तक के आप डाल सकते हो अगर आप 300 वॉट से ज्यादा का एम्पलीफायर इस पे दे रहे हो यानी कि स्पीकर इस पे डाल रहे हो। दोस्तों यह हो गया कि आपको कौन सा इस पे स्पीकर डालना चाहिए और कौन से कितना लोड इस पर दे सकते हो। दोस्तों चलिए इसका छोटा सा साउंड टेस्ट देख लेते हैं। दोस्तों चलिए साउंड टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये था हमारी एमपीएसएसए 2 300 एम का हमारा रिव्यू और दोस्तों साउंड टेस्ट। दोस्तों बताइएगा आपको कमेंट में इसका साउंड टेस्ट कैसा रहा, इसका रिव्यू कैसा रहा। और दोस्तों यही रही इसकी प्राइस की बात, तो दोस्तों ये आपको मार्केट में 7 से 8 हज़ार रुपये के बीच मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों एकदम ये अप्रॉक्स प्राइस है। दोस्तों इसके ऊपर नीचे भी हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों 300 वाट की अगर आपको एम्पलीफायर लेनी है तो दोस्तों यहाँ पर आप 9 हज़ार तक की पैसे ले जा सकते हो, उससे ज़्यादा आपको लेने की जरूरत नहीं है, आपको इसके अंडर मिल जाती है। अगर आपको कोई भी इससे ऊपर देता है तो आपको ब्रांड एंड कुछ भी नहीं देखना, आपको वो सिंपली वहाँ पे नहीं लेना है, आपको ऐसा ही कोई लेना जो आपको जो है 7 से 8 हज़ार का एम्पलीफायर मिल जाए। तो दोस्तों बस दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ इस वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड।